यह फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बाल्यावस्था की कुछ घटनाओं पर आधारित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माता जी का नाम श्रीमती प्रभा देवी और उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। श्री जानकीनाथ बोस राय बहादुर हुआ करते थे और श्रीमती प्रभा देवी देवी देवताओं में अपार श्रद्धा रखने वाली मृदुभाषी महिला थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उन दिनों हुआ था जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उनका हृदय बचपन से ही सुलग रहा था कि किस तरह से हर भारतीय में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्रांति की भावना जागृत की जाए। बालक सुभाष के इन क्रांतिकारी विचारधाराओं से उनके माता पिता बेहद चिंतित रहने लगे थे। तो बहुत देर से प्रसाद भी खरीद देते। एक तो मैं जब मैं इतने दिन है कि तुम्हें पता ही नहीं चला। ये मां देवा का प्रसाद है। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? माँ, क्या दुर्गा माँ का प्रसाद ग्रहण करने से उनकी शक्ति प्राप्त हो सकेगी? बेटा, श्रद्धा से अर्पित की गई हर वस्तु में माँ का निवास होता है, इसलिए प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ, तुमने तो कई बार कहा है कि दुर्गा माँ शक्ति की देवी है, फिर तो शक्ति की आराधना शक्ति से ही होनी चाहिए। सुभाष, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ बेटे। ये माँ दुर्गा की प्रतिमा हमें यही बता रही है माँ, कि दुर्गा माँ की आराधना अस्त्र शस्त्रों से की जानी चाहिए, क्योंकि आज देश को बलिदानों की आवश्यकता।